डोंगरिया के पास चलती कार में लगी भीषण आग, जलकर हुई राख। डोंगरिया के पास चलती कार में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह से राख हो गई। वहीं फायर ब्रिगेड वाहन ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार बता दें कि वाहन क्रमांक MP50CA0738 शिफ्ट डिजायर कार के चालक मुजीफुर रहमान महाराष्ट्र के भंडारा से बालाघाट आ रहा था, तभी वह डोंगरिया के पास पहुंचा ही था कि अचानक इंजन से धुआं निकलते ही आग लग गई, जिससे कार को छोड़कर कार चालक भाग निकला। वहीं देखते ही देखते कार में भीषण आग लग गई। दमकल वाहन को जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची और वाहन चालक साहिद खान, फायरमैन राहुल वैद, राजकुमार नंदा, संजय ठाकरे के द्वारा आग पर काबू पाया गया। BNN टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट।